शिक्षा जगत से कोई भी खबर सबसे पहले सही और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ देखते रहने सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस घंटी को ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले। बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनके लिए कमाल का नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि जितने भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनके मन में एक प्रश्न है कि आपका क्लास 10th में एडमिशन कब होगा। उसके साथ साथ जो छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनके मन में तो तमाम असमंजस की स्थिति है कि उनकी 11वीं की परीक्षा कब होगा, आपका 12वीं में एडमिशन कब होगा। तो आज की इस वीडियो में आपके दोनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएगा, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से 2022 में मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जारी कर दिया गया है। आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल को फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपके सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन छात्रों को 2022 में इंटर की बोर्ड परीक्षा देना है, अर्थात कि जो अभी क्लास 11th में जिनका एडमिशन है, तो क्लास 11th के देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पिछले सत्र की 11वीं विद्यार्थी अब तक नहीं हुए प्रणो, अर्थात कि जितने छात्र को 2022 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देना है और जिनका नामांकन 11वीं में हुआ है, वो 11वीं से 12वीं में भी उनको प्रमोट नहीं किया गया है। तब तक बिहार बोर्ड की तरफ से आप जानते हैं नए सत्र 2021-23 में 11वीं में छात्रों का नामांकन हो गया, तो वो भी 11 के स्टूडेंट कहेंगे, आप भी 11 के, तो ऐसे में काफी असमंजस की स्थिति है, शिक्षा विभाग को क्लियर करना चाहिए। लेकिन देखिए आपका जो है क्लास 11th का एग्जाम 10 मई से वार्षिक परीक्षा घोषित हुआ था, क्लास 11th का एग्जाम 10 मई से होता है, लेकिन आप जानते हैं 5 अप्रैल से ही स्कूल बंद है, तो परीक्षा नहीं हो पाया। इसको देखते हुए अभी तक बिहार के शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आपका परीक्षा होगा कि नहीं, और उसके साथ साथ कब आपके क्लास 12 में एडमिशन होगा। और वहीं पर देखिए क्लास 1 से 8 तक के विद्यार्थी तो प्रमोट हो चुके, उनको तो आगे क्लास में बिना परीक्षा के पास कर दिया गया है, लेकिन क्लास 11th के विद्यार्थियों को परीक्षा होगा या आपको भी बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लास 11th में एक दिन भी पढ़ाई नहीं हुआ है, इसके बारे में ना ही बिहार बोर्ड और ना ही बिहार के शिक्षा विभाग ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी छात्र इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे, अभी 11th में है 2020-21 के सेशन में, उनको यही समझना है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो क्लास 11th में ही हो जाता है, वो जो हो चुका है, लेकिन आपका अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं जारी हुआ है। लेकिन आपकी परीक्षा की बात करें तो अभी तक आपका परीक्षा होगा कि नहीं या बिना परीक्षा के आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, इसके बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उम्मीद जताया जा रहा है कि जुलाई में ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपका भी परीक्षा नहीं होगा, बिना परीक्षा के क्लास 11th के विद्यार्थियों को 12वीं में प्रमोट करके आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जिन छात्रों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देना है तो उनको तो कोई चिंता लेने की बात नहीं, क्योंकि आपकी तो 9th की वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम आप जानते हैं संपन्न हो चुका है, तो आपको बस सिर्फ जैसे ही जुलाई में स्कूल ओपन हो रहा है आपको अपने स्कूल में जाना है और कंफर्म कर लेना है कि आपका स्कूल जो है आपका नाम क्लास 10th में प्लेस दिया है कि नहीं, क्योंकि आपका भी तो रजिस्ट्रेशन क्लास 9th में हो चुका है, आपका तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ चुका है। तो बहुत सारे स्कूल होते हैं बिहार के जो ऑटोमेटिक क्लास 10th में, क्लास 9th के छात्रों को क्लास 10th में ऑटोमेटिक एडमिशन कर देते हैं, और बहुत सारे स्कूल में कुछ चार्ज लिया जाता है कि रिन्यूअल एडमिशन कराने के लिए, तो आपके स्कूल पर डिपेंड है, तो आपको स्कूल में जाकर कन्फर्म कर लेना है। कुल मिलाकर आज के वीडियो की सारांश की बात करें तो जो भी छात्र इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे जो कि 11वीं में अभी है, तो उन छात्रों को अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है, और आपको प्रमोट किया जाएगा कि आपका परीक्षा होगा या आपका बिना परीक्षा के ही क्लास 12 में एडमिशन कर दिया जाएगा, इसके बारे में अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि क्लास नहीं चलने की वजह से आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा और बिना परीक्षा के ही आपको 12वीं में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब तक बिहार बोर्ड इस पर कोई ऑफिशियल स्थिति स्पष्ट नहीं करता तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और जो भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको सिर्फ जाकर स्कूल में कंफर्मेशन ले लेना है कि आपका स्कूल आपका नाम 10th में चढ़ा दिया है कि नहीं, क्योंकि आपका तो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ चुका है। जो छात्र क्लास 12 का एग्जाम 2022 में देंगे उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जल्द से जल्द जारी होगा। तो जैसे ही आपके एग्जाम के बारे में कोई और अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।